तो जैसा कि आपने पिछले वाले पार्ट में देखा कि दो दो विकेट गिर चुका था और आखिरी वाले विकेट के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा था, तो इस पार्ट में भी वो ही चलने वाला है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस आखिरी विकेट को हम ले लें, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक रन से यहाँ पर लीड बढ़ती चली जा रही है। और फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि शार्दुल ठाकुर आए हैं इस ओवर को डालने के लिए, और एक चीज़ पर अभी फ़िलहाल हमारी नज़र पड़ी वो ये कि हाँ, यहाँ पर फिलहाल इस ओवर की पहली बॉल की बात कर लेते हैं। तो पहली बॉल ये फुल टॉस लेंथ की हमने रखने की कोशिश की, ऑफ साइड की तरफ शॉट खेला एन वैगनार ने और आसानी के साथ पहुंच जाएंगे, क्योंकि थ्रो अच्छा नहीं था हमारा। और जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले थे कि नज़र हमारी पड़ी, तो हाँ नज़र हमारी पड़ी और किस चीज़ पर पड़ी, तो वो बात ये है कि 89.1 ओवर्स की ये दूसरी इनिंग्स हो चुकी है न्यूजीलैंड की टीम की, और पूरा पूरा एक दिन होता है 90 ओवर का, ये मतलब पूरा दिन खेल गए हैं ये लोग और एक दिन से हम बैटिंग कर रहे हैं देखा जाए तो। और सामने की तरफ ये शॉट है, और क्या कमाल का खूबसूरत ये शॉट है, मतलब एन वैगनार के बैट से सामने की तरफ लॉफ्टेड ये शॉट और वन बाउंस चौका। और पिछले वाले पार्ट में भी हमने इसी चीज़ की बात की थी कि अब न्यूजीलैंड की टीम के सारे प्लेयर्स या बैट्समैन ये जान चुके हैं कि काफ़ी रन्स बन चुके हैं, और जितने बनने थे वो काफ़ी हद तक या उससे ज़्यादा ही बन चुके हैं, तो अभी फ़िलहाल वो एक ही चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि लॉफ्टेड शॉट खेल करके जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन्स हो सके बटोर लो। और हाँ, वहाँ पर नहीं, मतलब जहाँ पर बॉल को बिल्कुल लीव किया जा सकता है वहाँ पर लीव ही करना सही है, जैसे कि इसके पहले वाली बॉल थी। और यहाँ पर फिलहाल अभी तक के इस ओवर में 6 रन आ चुके हैं इस ओवर की आखिरी बॉल और विकेटों पर ख़त्म होती हुई, और इस बॉल को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे पर वहाँ पर कुछ रन्स मिले नहीं। और पिछले वाले पार्ट की हमने काफ़ी बात की, तो हम ये बता दें कि पिछले वाले पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जा कर के आप देखें, क्योंकि कमाल का वो पार्ट रहा है। और इस पार्ट को भी हम कमाल का ही बनाने की कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में वो आखिरी विकेट जो है, ये जो 10th विकेट है, वो गिर जाए। फुल टॉस पहले रखने की हमने सोची थी, फिर बाद में हमने ये सोचा कि क्यों ना इस बॉल को थोड़ा सा यॉर्कर लेंथ की ट्राई किया जाए, तो फिर हमने वो ही किया और इस बॉल को शॉर्टर लेंथ रखने की कोशिश, और ऑफ साइड की तरफ शॉट खेलना चाहते थे टिम साउदी, पर क्योंकि प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, टाइमिंग अच्छी थी पर प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी, इस बार सामने की तरफ शॉट भुवनेश्वर कुमार वहाँ पर मौजूद थे। और अभी तक के इस ओवर में रविचंद्रन अश्विन के इस ओवर में कोई भी रन आया नहीं है इस ओवर की ये चौथी बॉल, और बिल्कुल ये भी अच्छी यहाँ पर फील्डिंग और साथ ही साथ ये प्लेसमेंट अच्छा नहीं था, मतलब ये पूरा ओवर अभी तक के डॉट जा चुका है। और क्या कमाल का ये शॉट, मतलब इतनी बार कोशिश करने के बाद जब रन्स नहीं मिले तो कुछ ऐसे रन्स मिले, मतलब ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि पीछे की तरफ शॉट खेला है, पीछे की तरफ शॉट नहीं खेला है, ये बस एज लगा है और विकेट कीपर के बगल से ये बॉल निकली है और स्टंप्स के ऊपर से ये बॉल निकली है। अगर ये ज़रा सा भी नीचे होती या फिर एज अगर सही से नहीं लगता तो ये बिल्कुल यहाँ पर बोल्ड हो सकते थे, और ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर तो फिलहाल अभी तक का सीन ऐसा हो चुका है कि काफ़ी अच्छी हम बॉलिंग करें, मतलब इस पार्ट की भी हम बात करें तो काफ़ी अच्छी हमने बॉलिंग की है और 2 ओवर का मैच हो चुका है इस पार्ट में, पर एक चीज़ और यहाँ पर करनी ज़रूरी है कि थोड़ा सा बाहर की तरफ, मतलब अंदर डालकर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना, वो ट्राई करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर फिलहाल सीन कुछ ऐसा, ओहो रविंद्र जडेजा का ये ओवर, और हाँ जैसी हमने बात की थी वैसा इस बॉल को रखने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर फिलहाल हम ये थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि बॉल को बाहर से अंदर की तरफ लेकर के आए जाए, फिर लास्ट में हम आखिरी बॉल पर ये ट्राई कर लेंगे कि बॉल को अंदर डालकर थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाए। और इस बॉल को भी अंदर की तरफ और फुल लेंथ की ये बॉल थी, सामने की तरफ शॉट खेला और फील्डर वहाँ पर है मौजूद, हम ही है वहाँ पर खैर, और सामने की तरफ ये शॉट खेला था और इस शॉट पर सिर्फ एक सिंगल ही मिला, और 601 रन हो चुके हैं न्यूजीलैंड की टीम के, पर लीड अभी तक के 600 रन की नहीं हुई है, और 628 रन जब हो जाएंगे तो वो लीड हो जाएगी कुछ 600 रन की, पर अभी तक के तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और टिम साउदी खेल रहे हैं 20 रन पर 13 बॉल्स उन्होंने खेली हैं, फुल टॉस लेंथ की ये बॉल रखने की हमने कोशिश की,
और इस बॉल पर कुछ रन्स मिले नहीं, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ओवर जा रहा है। मतलब इस पूरे ओवर में अभी तक के सिर्फ एक सिंगल गया है, और रविंद्र जडेजा का ये ओवर और कमाल का ये ओवर रहा, सिर्फ एक रन आया और बहुत ही मज़ेदार ये ओवर। और ये जीपी स्पोर्ट्स वीडियोज़, ये हमारे चैनल की इंस्टाग्राम आईडी है, तो अगर वहाँ आपने फॉलो नहीं किया तो बिल्कुल आप जा कर के फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर फ़िलहाल दोनों बैट्समैन जो है वो आपस में थोड़ी सी बातचीत करते हुए, और बातचीत यहाँ पर क्या हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ से पार्टनरशिप बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। 617 रन बना दिए आपकी टीम ने, और यहाँ से सिर्फ आपको अब लॉफ्टेड शॉट के लिए ही देखना है। और दो डबल्स आ चुके हैं पहली दो बॉल पर, फिर उसके बाद एक चौका मिला, उसके बाद हाँ अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो डॉट बॉल्स हो चुकी हैं। और इस ओवर की आखिरी बॉल और थोड़ा सा गुड लेंथ पर रखने की हमने कोशिश की और कोई रन मिला नहीं इस बॉल पर, और तीन डॉट बॉल हो चुकी है। 617 रन बना दिए हैं न्यूजीलैंड की टीम ने, और यहाँ पर अब आए हैं रविंद्र जडेजा, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जैसा इसके पहले वाला रविंद्र जडेजा का ओवर था वैसा ही ये वाला भी रहे। और अब यहाँ पर रविंद्र जडेजा आ चुके हैं, साइड हमने चेंज की है, और बिल्कुल यहाँ पर बॉल पढ़कर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे पहली ये बॉल, और यॉर्कर लेंथ की रखने की कोशिश की हमने। और टिम साउदी 28 रन पर खेल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हुए रविचंद्रन अश्विन, और इस ओवर की ये दूसरी बॉल, और इस बॉल को हमने फुल लेंथ की रखने की कोशिश की, सामने की तरफ शॉट खेला है टिम साउदी ने, और फील्डर वहाँ पर मौजूद है, और सिर्फ एक सिंगल ही मिला इस बार। तो खैर एन वैगनार आ चुके हैं, और फिर से हमने साइड चेंज की है, और साइड चेंज करने के बाद हम कोशिश करेंगे बाहर से अंदर की तरफ ले आने की। और ओहो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा शॉट था, मतलब हमें बिल्कुल ये लगा कि शायद यहाँ पर चौका मिल सकता है, और ये अच्छी बात थी कि वहाँ पर चौका मिला नहीं। और इस ओवर की ये चौथी बॉल, और सामने की तरफ शॉट खेलना चाहते थे ऐसे हमें बिल्कुल लगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बैट आया ना, हमें बिल्कुल लगा कि वो सामने की तरफ शॉट खेलने वाले हैं, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। और इस ओवर की आखिरी बॉल है, और इस आखिरी बॉल पर अभी तक के तो कोई मतलब चौका या कोई बाउंड्री आई नहीं, और इस आखिरी बॉल पर भी नहीं आई, तो ये ओवर भी मज़ेदार गया रविंद्र जडेजा का। और रविंद्र जडेजा के ओवर की ये मतलब ये उनका अगला ओवर है, बीच में कुछ ओवर्स हमने स्किप कर दिया, ऑटो प्ले नहीं किया, पर इस वीडियो में नहीं है। और जब आप पूरा हाइलाइट्स का मैच देखेंगे तो उसमें आप सारी चीज़ें देख सकेंगे। और यहाँ पर ये वो बॉल जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी कि मतलब अंदर की तरफ हम पिच कराकर बाहर की तरफ बॉल को निकालने की कोशिश, तो वो ही कुछ हमने बॉल ये वाली डाली है। पर हाँ, एक चीज़ हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि वो आखिरी बॉल जिस पर कि रविंद्र जडेजा ने बोल्ड किया, वो जितनी बार भी आप देखें कम है, क्योंकि वो कमाल की कुछ बॉल है। मतलब उसको थोड़ा सा फुल लेंथ और गुड लेंथ के बीच में रखना और फिर वहाँ से बाहर निकालना और उस पर बोल्ड करना, वो कमाल का है। और यहाँ पर अब ख़त्म हो चुकी है दूसरी पारी, हम देखेंगे कैसी रहने वाली है हमारी इनिंग्स।